वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बिजलेरी की 1 लीटर की वाटर बॉटल है। इसमें मैंने प्याज और लहसुन के छिलकों को 2-3 दिन पहले पानी में भिगो के रखा था। और ये वाला एक कंटेनर है जिसमें कि हमारे यहाँ पर रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह आते हैं। इसमें भी मैंने केले के छिलकों को बारीक बारीक काट के भिगो के रख दिया था। और सर्दियों के लिए यही चीज़ें हैं मेरा प्लांट्स के लिए एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि मैं अपने पौधों को टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। और इतनी भीषण सर्दी होने के बावजूद भी समहाउ मेरे सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं, अभी तो कोई मरा नहीं है और उनकी हेल्थ भी अच्छी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे करती हूँ। इस सारे पानी को मैंने छान लिया है और एक बड़े पतीले में इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। अब मैं इसको डाइल्यूट करके और फिर स्प्रे की सहायता से अपने पौधों को स्प्रे करती हूँ। तो चलिए मैं आपको साथ साथ सारा दिखाती जाती हूँ कि मैं कैसे बड़ी आसानी से ये सब काम करती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी से ये पूरा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो सारा के सारा जो पानी था उसको मैंने छान लिया है, इस बॉटल में भर लिया है। और अब हम कर देंगे सब प्लांट्स पे थोड़ा थोड़ा स्प्रे। वो इसलिए क्योंकि आज धूप भी आई है और पौधों को न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है। जस्ट मिट्टी में ही स्प्रे करना होता है। ये देखिए, छोटा सा गेंदे का फूल है जो इस बॉटल में आया हुआ है। बस ऐसे बैठ के बड़े प्यार से पूरा का पूरा पानी ये एक छोटा सा स्पाइडर प्लांट है जो कि मैंने सर्फ एक्सेल की बॉटल को बीच में काट करके स्प्रे करके लगाया था। और इतनी भीषण सर्दी होने के बावजूद भी ये प्लांट उतना अच्छा ग्रो तो नहीं हुआ पर मरा भी नहीं है। और मैं इसको समय समय पे ऐसे ही स्प्रे करती रहती हूँ, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हर कंटेनर में, हर साइज़ के वेस्ट डिस्कार्डेड कंटेनर्स में कुछ ना कुछ प्लांट उगा रखा है और ये सब अच्छे चल रहे हैं। तो मेरे चैनल का मेन पर्पज़ है रीयूज़ करना, जो भी चीज़ हमें मिली हुई है और अपने घरों में कैसे हम धीरे धीरे करके हरियाली बढ़ा सकते हैं कम खर्चे में, और अपने एनवायरनमेंट में कैसे हम सहयोग कर सकते हैं कि हम जिस भी हालात में रहते हैं हम कैसे पेड़ पौधों को अपने घर पे उगाएं और अपने घर का वातावरण नेचुरल करें। तो एक ये छोटा सा कंटेनर है, इसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे। और आई होप आपको ये होममेड फर्टिलाइज़र द्वारा सर्दियों में अपने प्लांट्स को पानी देना पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे आपको हर प्रकार की छोटी मोटी जानकारी जो कि अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, खासकर गार्डनिंग और रीयूज़ के टॉपिक्स पे,
आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्लांट्स उगाते रहिए। थैंक यू सो मच।